इस वक्त की बड़ी खबर, M3M के प्रमोटर रूप बंसल को गिरफ्तार किया गया है। ईडी ने M3M के प्रमोटर को गिरफ्तार किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, M3M के प्रमोटर रूप बंसल को गिरफ्तार किया गया है। ईडी ने यह कार्रवाई की है, M3M के प्रमोटर को गिरफ्तार किया है। M3M के प्रमोटर रूप बंसल को गिरफ्तार किया गया है। ईडी ने यह कार्रवाई की है। ईडी जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों के मुख्य तौर पर जानकारी करती है, तफ्तीश करती है, और M3M के प्रमोटर रूप बंसल को गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, M3M के प्रमोटर रूप बंसल को गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी ने यह छापेमारी की कार्रवाई की है। M3M बिल्डर के प्रमोटर को गिरफ्तार किया गया है। पैसों की गड़बड़ी का आरोप, इससे पहले ईडी की ओर से अलग अलग जो बिल्डर्स हैं उनके ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई थी, और इसी सिलसिले में M3M के प्रमोटर को गिरफ्तार किया गया है। बड़े पैमाने पर संपत्ति और गाड़ियां भी जब्त करने के का मामला सामने आ रहा है। जितेंद्र शर्मा इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, M3M के प्रमोटर रूप बंसल को गिरफ्तार किया गया है, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, M3M के प्रमोटर रूप कुमार बंसल को ईडी ने गिरफ्तार किया है, और ये जो 1 जून को ईडी ने कार्रवाई की थी आईरियो ग्रुप और M3M ग्रुप के ऊपर जो कार्रवाई की थी, उसके बाद ये पहली कार्रवाई है। और M3M के जो प्रमोटर हैं रूप कुमार बंसल, उनको ईडी ने गिरफ्तार किया है। ये पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है, जिसमें आरोप लगे हुए थे कि M3M और आईरियो ग्रुप ने इन्वेस्टर्स का और बायर्स का पैसा जो है उसको अपने अलग पर्सनल प्रॉपर्टीज में और जो दूसरे जो लायबिलिटीज थी उसको चुकाने के लिए अलग जगह डाइवर्ट कर दिया। जो पिछले दिनों जो छापेमारी की गई थी ईडी की तरफ से, उसमें बताया था ईडी ने कि किस तरह से 400 करोड़ रुपए M3M ग्रुप और आईरियो ग्रुप ने इन्वेस्टर्स और बायर्स के डाइवर्ट किए। फर्जी कंपनियों के जरिए उस पैसे को पहले फर्जी कंपनियों में डाइवर्ट किया गया, और उसके बाद सीधे बुक में दिखा करके राइट ऑफ करके डेवलपमेंट के नाम के ऊपर उसको दूसरी कंपनी में ट्रांसफर कर दिया गया। इसमें आरोप सीधे तौर पर ये लगे थे कि जो 400 करोड़ रुपए हैं, M3M ने एक 4 करोड़ रुपए की जमीन जो कि गुरुगांव के अंदर थी, उसको 5 फर्जी कंपनियों को 10 करोड़ रुपए में डेवलपमेंट के नाम पर ट्रांसफर किया, और उसके बाद उस फर्जी कंपनी ने उस जमीन को आईरियो ग्रुप को 400 करोड़ रुपए में ट्रांसफर कर दिया। अब आईरियो ग्रुप ने जैसे ही 400 करोड़ रुपए उन कंपनियों को ट्रांसफर किया, जो कि M3M ही मैनेज कर रहा था एक तरह से बैकडोर से, उस कंपनी ने अलग अलग कंपनियों के जरिए उस पैसे को M3M के जो दूसरे जो बैंक अकाउंट्स थे उनमें ट्रांसफर कर दिया, और उसके बाद उस पैसे का इस्तेमाल M3M ग्रुप ने जो लायबिलिटीज थी, जो दूसरी लायबिलिटीज थी उसको चुकाने में, दूसरी जगह इन्वेस्ट करने में, और जो दूसरी प्रॉपर्टीज है उसको बनाने में इन्वेस्ट किया। लेकिन जो जमीन थी जिसको लेकर के पूरा दिखाया गया कि पैसे को रूट किया गया, वो जमीन पर अभी तक कोई काम नहीं किया। इसमें आईरियो ग्रुप और M3M की दोनों की मिलीभगत थी, जिसको लेकर के ईडी ने कार्रवाई की थी, और ये ईडी ने कार्रवाई उस पर उस आधार पर की थी क्योंकि उससे पहले गुरुग्राम के अंदर ही M3M ग्रुप और आईरियो ग्रुप के खिलाफ पहले ही काफी मामले दर्ज हो चुके थे। और रूप कुमार बंसल यानी कि M3M के ऊपर अगर हम कहें तो ये पहली गिरफ्तारी है जिसमें M3M के एक प्रमोटर रूप कुमार बंसल को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले नवंबर 2021 में ईडी ने आईरियो ग्रुप के जो प्रमोटर हैं ललित कुमार गोयल, उनको गिरफ्तार किया था। और इस पूरे मामले को लेकर के ईडी एक बड़े नेक्सस को सामने लेकर के आ रही थी। ईडी का कहना था कि जिस तरह से ये दोनों ग्रुप मिलकर के जो पैसे हैं उसको अलग अलग जगहों पर डाइवर्ट कर रहे हैं, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और एक तरह से बायर्स और इन्वेस्टर्स के साथ धोखा कर रहे हैं, उसी को लेकर के ये कार्रवाई की गई है। जी जितेंद्र, निश्चित तौर पर ये जो बायर्स और इन्वेस्टर्स हैं उनकी रकम को चैनलाइज करके अपने पक्ष में अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। इस मामले में रिकवरी के लिए भी क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, और क्या कुछ और गिरफ्तारियां भी हो सकती है? देखिए, रिकवरी जो एक अलग तरीके से होती है, क्योंकि ईडी जो कार्रवाई करती है उसमें उस अमाउंट के जो एसेट्स होते हैं उसको वो अटैच कर लेती है, और अटैच करने के बाद उसको अदालत में लेकर के जा करके उसके बाद उसको कंफर्म कराती है, और उसके बाद उसको जब्त करने की प्रक्रिया शुरू होती है, और जैसे ही उसको जब्त करने का आदेश मिल जाता है
उसके बाद उसको सेल आउट करके जो जिन जिनका पैसा लिया गया होता है उन सबको चुकाने की, ठीक है, वो एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन फिलहाल गिरफ्तारी हो चुकी है रूप बंसल की और निश्चित तौर पर आने वाले समय में इस ग्रुप की मुश्किलें और बढ़ती हुई। बहुत शुक्रिया जितेंद्र पुरी जी। Z News.